हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ रांची से। तो आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक नई मूवी जिसका नाम है द प्लेटफॉर्म। ये मूवी एक स्पेनिश मूवी है मगर आपको इंग्लिश सबटाइटल के थ्रू देख सकते हो इजीली। ये मूवी का जॉनर की बात करो तो ये स्लैशर है, हॉरर है, थ्रिलर है, मिस्ट्री है, मतलब हर एक जॉनर में आप इस मूवी को फिट कर सकते हो। मूवी की कहानी की बात करो तो कहानी शुरू होती है गुरांग से, जो कि अपनी मर्जी से एक प्रिजन में जाना चाहते हैं, वो भी 6 महीने के लिए। वो क्यों जाना चाहते हैं ये तो आप इस फिल्म में ही देख लेना। खैर, आप उस प्रिजन की बात करें तो वो प्रिजन कोई नॉर्मल प्रिजन नहीं, यानी कि कोई नॉर्मल जेल नहीं जो आपने कोई फिल्मों में या रियल लाइफ में देखा होगा। ये एक तरीके की बिल्डिंग है जहां पर हर एक फ्लोर पर दो दो कैदियों को रखा जाता है और वो कैदियों को 30 दिनों तक एक दूसरे के साथ रहना, फिर 30 दिन के बाद एक तरीके की गैस छोड़ी जाएगी जहां पे वो लोग बेहोश हो जाएंगे, फिर उन लोगों को फ्लोर चेंज कर देंगे। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि उन दो कैदियों को सिर्फ दिन में एक बार खाना दिया जाएगा। अब खाना देने का सिस्टम ये है कि 0 फ्लोर से। अब मैं आपको बता दूं कि उन कैदियों को भी नहीं पता कि उस बिल्डिंग में फ्लोर्स कितने, तो खाना शुरू करेंगे लोग 0 फ्लोर से और एक ही बार वो लोग सर्व कर देंगे, बहुत सारे आइटम्स रहेंगे और वो खाना 0 से फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा, फिर सेकंड फ्लोर पे जाएगा, फिर थर्ड फ्लोर पे जाएगा। तो फर्स्ट फ्लोर के जितने लोग रहेंगे वो खाना थोड़ा जितना अपने हिसाब से खाना खा लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी फ्लोर वाला अगर चाहे कि वो खाना उठा के अपने पास छुपा के रख दे तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी और भी सजा है। वो सजा क्या हुआ अभी इस फिल्म को देखो तो आप समझ जाओगे। खैर, वो खाना फ्लोर बाय फ्लोर ऊपर बढ़ता है। तो अब आप बता दोगे तो बिल्डिंग में 500 फ्लोर रहेंगे तो खाना कहां तक जाएगा, 500 फ्लोर तक नहीं जा पाएगा। तो यही तो कहानी में ट्विस्ट है। अब उसके बाद क्या कुछ होता है, कैसे वो लोग एक दूसरे को मारते हैं, क्या कुछ करते हैं और क्या कुछ अलग हटके आपको देखने को मिलता है, सब कुछ जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी जिसका नाम है द प्लेटफॉर्म। ये सिर्फ 1 घंटा 35 मिनट की फिल्म है लेकिन आपको एक ऐसी दुनिया में लेके जाएगी जहां पर जाना आप लोग चाहोगे नहीं, और आप लोग रोंगटे खड़े होना इस फिल्म के दौरान तो एकदम 100% पक्का है। यहाँ पर तारीफ करेगी इवान की, यहाँ पर रोल प्ले किया गुरांग का, बहुत ही शानदार और बहुत ही अलग हटके काम करने की कोशिश की। उसके अलावा जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स है सबका काम बहुत अच्छा लगा। फिल्म के जो मेकर्स, उन लोगों ने जो माहौल क्रिएट किया ना, वो माहौल आपको डराने में कामयाब होता है। पूरी पूरी फिल्म में आपको एज पे रखता है और अब क्या होगा, अब क्या होगा आप लोग सोचते हो। और जितना भी मैंने इस फिल्म में नोटिस किया, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली ये मूवी जितनी मुझे अच्छी लगी, जितनी मुझे कंफ्यूजिंग लगी, जितनी मुझे अलग हटके लगी, उससे कई ज्यादा आपको भी कंफ्यूज करेगी, आपको कई ज्यादा हटके अलग लगी। क्योंकि बहुत ही सिंपल फिल्म का आपको एंडिंग समझ में नहीं आती, तो ये फिल्म की एंडिंग तो मतलब एकदम ही अलग हटके लगी मुझे। तो मेरे हिसाब से इतना कह सकते हो कि अगर आप इस हफ्ते यानी कि आज के दिन अगर आप फ्री हो, घर पे हो, तो आप इस फिल्म को देखना, आपको कुछ अच्छा लगे, कुछ अलग देखे ये तो जरूर महसूस होगा। मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म आप बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं देखना, ना ही अपने फैमिली के साथ किसी को देखना, क्योंकि ये फिल्म में बहुत से ऐसे सीन्स है जो मैं यहाँ पर आपको रिवील नहीं कर रहा, जो फैमिली ऑडियंस देखना कतई पसंद नहीं करती है। कुछ स्लैशर जॉनर में भी आप इस फिल्म को ले सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो आप इसे जरूर देखना, और आपने ऑलरेडी देख चुके तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, के साथ ही बेल आइकन उसे भी प्रेस कर देना, और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना। तो बस मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन दुआ में याद रखना।